तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दिन पहले, एक वीक पहले सैमसंग M31 में वन यू आई 3.0 के साथ एंड्रॉइड 11 का अपडेट आया, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिया, अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। और आज यहाँ पे सुबह सुबह सैमसंग M21 के लिए एंड्रॉइड 11 के साथ वन यू आई 3.0 अपडेट रोलिंग आउट हो गया, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स बात करने वाला है। तो दोस्तों नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करता हूँ, मैं नई माप देखने चैनल टेक्निकल अपडेट। तो चलिए देख लेते हैं सैमसंग M21 का जो नया अपडेट आया है वन यू आई 3.0, इसमें क्या खास चीजें है। तो दोस्तों यहाँ पे M31 को कुछ दिन पहले ही मिल गया था, और सब लोग यहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे M21 को कब आएगा, M51 को कब आएगा। मैं डिटेल्स टाइमलाइन यहाँ पे बता दिया हूँ, अगर आप सैमसंग का कोई भी फोन यूज करते हो आई बटन पे वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो सुबह सुबह यहाँ पे M21 के लिए भी एंड्रॉइड 11 के साथ वन यू आई 3.0 अपडेट आ चुका है, जिसका साइज 1.7 GB, 1.79 MB, मतलब 1.7 GB, जिसमें जनवरी 2021 सिक्योरिटी पैच है। और फुल वर्जन देखा जाए तो यहाँ पे M215FXUV2UAC, तो ये वाला वर्जन है, और जिसमें बहुत सारे चेंज लग बहुत ही बड़ा है, जैसे M31 में आया था एक्चुअली सेम ही है। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे विजुअल डिजाइन को टोटली चेंज हो गया है, फीचर कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड हुआ है, लॉक स्क्रीन वाला चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहले जैसे लॉक स्क्रीन था वो लॉक स्क्रीन चेंज होके अब कुछ ऐसा लॉक स्क्रीन आ गया है। और एक चीजें है यहाँ पे जो कैमरा का डिटेल्स कुछ चेंजेस यहाँ पे हुआ है, आपको होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन का लेआउट में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल नया लुक के साथ ये एंड्रॉइड 11 के साथ वन यू आई 3.0 आया है, और पिक्चर्स एंड वीडियो में भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कॉल्स एंड चैट में भी ऑप्शन बहुत सारे है, गेस्चर में भी बहुत सारे ऑप्शन है, प्रोडक्टिविटी सैमसंग कीबोर्ड में आप 3370 लैंग्वेज सपोर्ट करेगा, अपडेट के साथ देखने को मिल जाएगा। और क्या क्या नया चीजें है, क्या चीजें आपको नया लगेगा M21 को, उसके बारे में भी मैं डिटेल्स वीडियो लेके आने वाला हूँ। अभी के लिए अगर आप सैमसंग M21 यूज करते हो तो जल्दी से जाओ और चेक करो सॉफ्टवेयर अपडेट ऑप्शन में, और यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करके तो 1.7 GB का अपडेट आपको मिल जाएगा। और मिल जाएगा तो मुझे कमेंट में यहाँ पे जरूर बताना आपके पास सैमसंग M21 में अपडेट आया या नहीं आया। और अगर अपडेट नहीं मिलेगा तो थोड़ा दिन वेट कर लो, ये बैच में रिलीज होता है, हो सकता है 2-4 दिन के अंदर यहाँ पे अपडेट मिल जाए। तो सैमसंग M21 का एंड्रॉइड 11 के साथ कोई वन वाई 3.0 अपडेट आ चुका है, इसका डिटेल्स वीडियो और भी मैं लेके आने वाला हूँ, क्या खास चीज आपको देखने को मिलेगा, बैटरी डेंटेस्ट भी लेके आने वाला हूँ, उसके लिए बने रहिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो इतना ही, बाय।